Good morning guys, welcome to Wi-Fi study. This is the here we are changing the way of learning. हम यहाँ पे जो है बिल्कुल एजुकेशन का तरीका बिल्कुल बदल रहे हैं, लर्निंग का तरीका बदल रहे हैं, वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा. तो ये पर्टिकुलर हमारा सेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अवेयर एम सी क्यू फॉर यू पी एस सी प्री 2018 की प्री जो है जून जो है आपके जून 3rd को होने वाली है. तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट लास्ट स्टेज पे चल रही होगी, तो उसी से रिलेवेंट हम ये सेशन ले जा रहे हैं. आज है हमारा डे 36 और इस सेशन के अंदर ये पर्टिकुलर सेशन मैं लेके आता हूँ राम एंड विष्णु. ही आपको पता होगा डेली बेसिस पे हम ऑलरेडी 35 सेशन कर चुके हैं, इसका मतलब 350 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमने देखे हैं. ये सेशन हमारा जो बेसिक मोटिवेशन है ये है कि 2017 और अभी तक के जो करंट अफेयर है उनको हम रिवाइज़ करें, उनको कम्प्लीटली एक बार उनको डिस्कस करें यहाँ पे एग्ज़ाम में जाने से पहले. तो इस सेशन की पीडीएफ GK24 मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा ये मेरा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे भी मैं शेयर करता हूँ, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने एक लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर एक स्टार्ट क्वेश्चन छोड़ा था, जो 10th क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट क्वेश्चन होता है. तो उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं विद रेस्पेक्ट टू नीट. तो यहाँ पे देखना है कि नीम से जुड़ी हुई चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है. तो द कोटिंग ऑफ यूरिया विद नीम प्रोडक्ट्स हेल्प टू मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन. इट वर्क्स एफिशिएंटली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. द नीम ट्री हैज़ मल्टीपल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स सच एज फ्लड कंट्रोल एंड रिड्यूस्ड सॉयल इरोजन. ठीक है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिवली करेक्ट है. हमने ये बिल्कुल डिस्कस किया था कि नीम के जो इकोनॉमिक बेनिफिट से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल अच्छा आर्टिकल आया था इकोनॉमिक टाइम्स में. अगर आपके पास टाइम हो तो इसको एक बार कंप्लीट आर्टिकल को गो थ्रू कर लेना, बहुत ही शानदार आर्टिकल है. उसके अंदर नीम की जो मेडिसिनल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है और इकोलॉजिकल वैल्यू है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ था. ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई थी. तो यहाँ पे ये दो एस्पिरेंट्स के आंसर हमने लिए हैं, तेजस का आंसर और शेफाली का आंसर बिल्कुल शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है. इन्होंने ये कहा है कि नीम कोटेड यूरिया इज द यूरिया विच इज कोटेड विद द नीम सीड ऑयल एंड द ऑयल कोटिंग स्लोली मिक्सड अप विद द लैंड एंड फ्रॉम हियर क्रॉप सॉक्स इट अकॉर्डिंग टू द नीड वाइल द अनवांटेड यूरिया वॉश्ड अवे विद द वाटर एंड गेट्स डाइल्यूटेड इन एयर एज नाइट्रोजन. ठीक है, तो नीम इज ऑल्सो यूजफुल इन द रिड्यूसिंग सुगर ब्लड लेवल इन दोज विद टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 के अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, टाइप 2 के अंदर ये इफेक्टिव है. Also, it is natural resource to keep the environment clean along the other environmental benefits like flood control, reduced soil erosion and less salination. ठीक है, इन्होंने भी यही कहा है कि नीम has proven nitrification inhibition properties. This way, it slow down the process of nitrogen release from urea. It is the best nitrification inhibition agent till the date and better than sulfur. ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन किया है कि जो नाइट्रिफिकेशन इनिबिशन जो प्रॉपर्टी है उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में अगर नाइट्रोजेनियस कंपाउंड वापस एज ए गैस जो है एयर के अंदर चली जाए तो उसको नाइट्रिफिकेशन कहता है. अब उसको रोकने के लिए डेफिनेटली हमें ज़रूरी है कि इस तरीके के प्लांट्स का लगाया जाना चाहिए. नीम फॉर डायबिटीज में लीड टू कंट्रोल हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई स्टिमुलेटिंग इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बीटा सेल्स एंड पैनक्रियाज डिस्ट्रीब्यूट सुगर थ्रू आउट द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी. एंड नीम हैज़ अ रेपुटेशन एज ए नेचुरल एयर प्योरीफायर एक्सेलिंग आउट ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल रिडक्शन एंड सॉयल इजरन. तो ये कम्प्लीटली इन्होंने जो है बिल्कुल होलिस्टिक वे में आंसर दिया है. तो इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल यहाँ पे आपकी कवरेज होगी. इससे जुड़े हुए क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, जो नीम कोटिंग यूरिया के बारे में ऑलरेडी एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, ये ट्राइवियल टाइप का क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिपिएंट ऑफ इंडियाज टॉप सिविलियन अवार्ड, जिसके अंदर भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स इंक्लूडेड है, हु आर लिविंग एब्रॉड आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. मतलब सबसे ज़्यादा बाहर के कौन से देश के लोगों को जो है ये सिविलियन अवार्ड सबसे ज़्यादा अवार्ड हुए हैं, USA, UK, रशिया और जापान. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली पद्म अवार्ड की घोषणा हुई थी, पद्म अवार्ड और भारत रत्न जो है वो अवार्ड की घोषणा हुई थी, ये दिए गए थे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, USA. USA जो है सबसे ज़्यादा USA के जो रेजिडेंट हैं उनको, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ दिया गया. तो कंट्री वाइज देखें तो कंट्री वाइज USA यहाँ पे लीड कर रहा है. ग्रांड टोटल कितना है, 103. आपका यूनाइटेड किंगडम 40, फ्रांस एंड रशिया 13 और उसके बाद जो है वो आता है जापान. ठीक है, तो ये थोड़ा एक बार दिमाग में इस तरीके का रहना चाहिए कि कौन से देश का सबसे ज़्यादा है और उसके बाद में क्या क्या है.
और इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर अगर कैटेगराइजेशन किया गया है तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि एनसीटी दिल्ली जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को सबसे ज़्यादा 803, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन से स्टेट से कितने ज़्यादा अवार्डीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो है अभी इनिशिएटिव हुआ तो उससे जुड़ी हुई दो स्टेटमेंट है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। गवर्नमेंट GEM इज ए कम्प्लीटली पेपरलेस, कैशलेस एंड सिस्टम ड्रिवन ई मार्केट प्लेस विद अ मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोक्योरमेंट एक अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा एक फिनेंस का जो एक पार्ट है, गवर्नमेंट का जो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी इन्वॉल्व है प्रोक्योरमेंट के अंदर। और इसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है वो ओपन मार्केट से करती है, और ओपन मार्केट के अंदर जो बिडिंग प्रोसेस है और पूरा जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और जो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलरली ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया। तो इसके दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ का जो बहुत सारा वर्क जो है वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर चला जाता है, और बहुत सारा जो फिनेंस है, फिनेंस उसके अंदर जाता है। तो उसको इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंट मैनेजर में यूज़ करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यूज़ किया ये बताया गया। और ये एक पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम ड्रिवन ई मार्केट प्लेस है जिसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेस मिनिमम है, जिससे जो करप्शन और इस तरीके की एक्टिविटीज से बिल्कुल डेफिनेटली बचा जा सकेगा। तो गवर्नमेंट विद द एम टू ट्रांसफॉर्म द वे इन विच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन इन बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, PSUs एंड ऑटोनॉमस बॉडीज, GEM इज कम्प्लीटली पेपरलेस, कैशलेस एंड सिस्टम ड्रिवन ई मार्केट प्लेस दैट इनेबल्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, कॉमन गुड्स, यूजेज, सर्विस विद मिनिमल ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई दो तीन और चीज़ें हैं वो आप भी ओवर द टाइम इसके अंदर कैरी कर लें कि इसके जो बेसिकली इसका जो है किस बेसिस पे करेगी और इसका प्रोसेस क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये होगा कैसे, गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट के थ्रू करेगी या टेंडरिंग का क्या प्रोसेस है, थोड़ा वो डेप्थ में आप जो है वर्टिकली उसका एनालिसिस कर लें। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है आर्टिकल 335A जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़ी हुई ये क्वेश्चन है कि आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द J&K लेजिस्लेटर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज टू दोज परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है, तो परमानेंट रेजिडेंट की बात हो रही है। J&K के लिए अलग से प्रोविज़न, आपको पता है कि आर्टिकल 370 के अंदर, 370 जो गवर्न करता है इंडिया और J&K स्टेट के रिलेशनशिप को लिए लेके, तो आर्टिकल 35A जो है वो क्या करता है, उसके अंदर ये पूछा गया है कि क्या ये परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को, उनको जो है वो गवर्न करता है। दूसरा, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 आर द ओनली आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अप्लाई ऑफ देयर ओन फोर्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको देखने हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, J&K और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली हमेशा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो एक स्पेशल केस यहाँ पे J&K के लिए लगाया जाता है, और स्पेशल केस के अंदर कैटेगराइजेशन डिफरेंटली हो जाता है। तो इसके अंदर हमने एक प्रीवियसली एक सेशन के अंदर देखा भी था कि कौन कौन से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट J&K के अंदर लागू नहीं होते या लागू होते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल हमने देखा था कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो लागू वहां पे नहीं होते। तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जो है आर द ओनली आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच अप्लाई ऑफ देयर ओन फोर्स टू द स्टेट ऑफ J&K। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि आर्टिकल 350A जो है वो क्या कहता है। इट इज ए प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्पावर्स द J&K लेजिस्लेटर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस टू दोज परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर लैंड जो रेजिडेंट है उनके लैंड राइट्स है, और जो जैसे वहाँ के सिटीजनशिप और वहाँ के जो सर्विसेज और पब्लिक डोमेन के अंदर और जॉब्स के अंदर जो राइट्स है वो पर्टिकुलर लेजिस्लेटर वहाँ का जो गवर्न करता है आर्टिकल 350A के अकॉर्डिंग। दूसरा, सेक्शन 6 ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ वुमन टू मैरी अ मैन ऑफ देयर चॉइस बाय नॉट गिविंग द ईयर
एनी राइट टू द प्रॉपर्टी इफ़ द वुमन मैरिज ए मैन नॉट होल्डिंग द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये इसके अंदर इस आर्टिकल 350A का जो सेक्शन 6 है उसके अकॉर्डिंग अगर जो J&K की जो महिला है वो बाहर के किसी स्टेट के पुरुष के साथ अगर शादी करती है तो वो उसको जो है प्रॉपर्टी के अंदर उसका राइट शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस जो है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट वो कैरी करता हो J&K का। दूसरा, अर्लियर इन 2002 ऑर्डर बाय द J&K हाई कोर्ट इन द स्टेट ऑफ J&K वर्सेस डॉक्टर सुशीला सावनी एंड अदर हैज सेड दैट द डॉटर ऑफ ए परमानेंट रेजिडेंट मैरिंग ए पर्सन आउटसाइड द स्टेट वुड नॉट लूज द स्टेटस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K। ठीक है, तो इसके अंदर बायसिंग है। बायसिंग किसके अंदर सिटीजनशिप के राइट को लेकर बायसिंग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर अभी डिबेट हुई थी कि क्या इसको 350A वाले जो आर्टिकल को है इसको पर्टिकुलर की हमें जो है अमेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अभी न्यूज़ में था। तो अभी जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर उसके अंदर भी इसका जो है खुलेआम पे जिक्र हुआ था। इसके ऊपर पार्टीज़ ने क्लेम किया था कि हम जो है इसके ऊपर अमेंडमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली ये कंटेंटियस इश्यू है, हमें इस पर ध्यान देना है। तो J&K से जुड़े हुए आपको आर्टिकल 370 के ऊपर डिस्कशन करना है, 370 के ऊपर डिटेलिंग लेनी है और 35A जो है उसके ऊपर भी आपको डिटेलिंग लेनी है कि यह आर्टिकल क्या है, इसके प्रोविजन्स क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कैंपेन आई एम दैट वुमन द कैंपेन इज़ एन अटेम्प्ट टू। ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज आजकल क्या कर रही है, मिनिस्ट्री जो है ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया के यूज़ के थ्रू जो है पर्टिकुलर कैंपेन्स चला रही है और ये ज़्यादातर जो है अवेयरनेस कैंपेन्स होती है और उसके अंदर जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एक सोशल प्लेटफॉर्म पे एक अवेयरनेस डेवलप करने की और एक माहौल और एक भावना डेवलप करने की बात होती है जिसके अंदर लोगों के अंदर इस तरीके की फीलिंग डेवलप हो जाए और इस तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि ये इसका टारगेट क्या है इस पर्टिकुलर कैंपेन का, आई एम दैट वुमन एंड जेंडर बायस अगेंस्ट द मैन एंड जेंडर बायस अगेंस्ट वुमन एंड वुमन ट्राफिकिंग एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बेसिकली ये ट्विटर और फेसबुक पे इस तरीके की कैंपेन चलाई जा रही थी जिसके अंदर जो है आई एम दैट वुमन जो है वो एंड ऑफ द जेंडर बायस्ड अगेंस्ट द वुमन, ये इसका जो बेसिक मोटिवेशन है। और थ्रू द कैंपेन द मिनिस्ट्री सीक्स टू हाईलाइट्स द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ वुमन स्टैंडिंग बाय एंड फॉर वुमन। ठीक है, तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो स्टैंडिंग बाय वुमन और फॉर वुमन के लिए जो इसका इनिशिएटिव है और ये एक अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ WCD हैज अर्ड पीपल टू शन स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड विद द वुमन हार्मिंग अदर वुमन। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट हैज कैप्चर्ड द रेयर फिनोमिना ऑफ ए ब्लू स्ट्रैगलर। ठीक है, इन 2017 के अंदर ये काफ़ी न्यूज़ में था, ब्लू स्ट्रैगलर एक इवेंट एक फिनोमेना को जो है एस्ट्रोसेट ने कैप्चर किया था। पूछा गया है कि ये ब्लू स्ट्रैगलर स्टार है क्या, ये स्टार क्या है। इट इज़ ए स्टार विच फीड्स ऑफ इट्स कंपेनियन स्टार बाई सकिंग आउट इट्स मास एंड एनर्जी कॉजिंग इट्स इवेंचुअल डेथ। इट इज़ हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट एमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट एक्सोटिक स्टार वेयर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज फोर्स्ड न्यूक्लियर पार्टिकल्स टू फॉर्म ए कॉन्टीन्यूअस स्टेट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली ऑफ फ्री क्वार्क्स। इट इज़ अ स्टार विद डिस्टिंक्टिवली अनयूजुअल मेटल अबंडेंस एटलीस्ट इन देयर सर्फेस लेयर। ठीक है, तो बेसिकली एस्ट्रोसेट है, एस्ट्रोसेट की जो क्वालिटी है, एस्ट्रोसेट एक पर्टिकुलर जो इंडिया की स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसका वो वाइड रेंज ऑफ अरे के इवेंट जो है स्पेस इवेंट जो है वो कैप्चर कर सकती है और उसके अंदर आपको पता होगा कि वो डिफरेंट एक्सरे के वेवलेंथ के जो इवेंट है वो कैप्चर कर सकती है, विजिबल रेंज के जो है वो कैप्चर कर सकती है, यूवी और इंफ्रारेड के इवेंट जो है उनको भी कैप्चर कर सकती है। तो इसी खासियत के तौर पर इसने एक इवेंट कैप्चर किया ब्लू स्ट्रैगलर और ये बड़ा ही शानदार इवेंट था जिसके अंदर एक जो स्टार है एक छोटा स्टार जो है यंग स्टार है वो एक डाइंग स्टार को जो है ओवर द टाइम कैप्चर करता है और इसको सक करता है और इसकी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो ओवर द टाइम ये जो है ओवर द टाइम ग्रो होता जाता है। तो इसका स्टेटमेंट जो है फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी दैट इज एस्ट्रोसैट हैज़ कैप्चर्ड द रेयर फिनोमेना ऑफ ए स्मॉल 6 billion ईयर ओल्ड वेम्पायर स्टार प्रेइंग ऑन द बिगर सेलेस्टियल बॉडी। साइंटिस्ट सेज द स्मॉल स्टार ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्लू स्ट्रैगलर जिसका जो कलर जो है वो ब्लू हो जाता है फीड्स ऑफ इट्स कंपेनियन स्टार बाई सकिंग आउट इट्स मास एंड एनर्जी कॉजिंग इट्स इवेंचुअल डेथ। द स्टार बिकम्स बिगर हॉटर एंड ब्लूअर
which gives it the appearance of being young while the aging component burn out and collapse to a stellar remnant. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रैगलर ब्लू स्ट्रैगलर है, ये पर्टिकुलरली एक जो स्टार है दूसरे स्टार को जो है वो जो कैप्चर करके उसको सक कर लेता है और उसकी मास एंड एनर्जी को जो है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है. इससे जुड़ी हुई आपको और क्या डिटेल करनी है कि एस्ट्रोसैट जो है वो एस्ट्रोसैट इंडिया ने कब लॉन्च किया, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इससे जुड़ा हुआ बिल्कुल क्वेश्चन आया था और ये क्या क्या कर सकता है एस्ट्रोसैट, क्या क्या नहीं कर सकता. ठीक है, और इससे इसके इक्विवेलेंट स्पेस ऑब्जर्वेशन में और इस तरीके के जो ऑब्जर्वेटरी किस किस कंट्रीज़ की है, नासा की है, तो उसके क्या स्पेसिफिकेशन है और एस्ट्रोसैट की क्या स्पेशलाइजेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन वाइड कैंपेन दरवाज़ा बंद एम्स टू, ये क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. टीवीज और जो मीडिया के अंदर बिल्कुल ये चल रहा है. तो स्टॉपिंग वुमन हैरेसमेंट, प्रमोटिंग यूज़ ऑफ टॉयलेट, स्ट्रेसेस ऑन नेबरहुड सिक्योरिटी, मूटिंग ए नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन. ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जिसके अंदर जो है ए नेशन वाइड कैंपेन दैट इज दरवाजा बंद वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विच इज एम्ड एट प्रमोटिंग यूज ऑफ टॉयलेट्स एंड डिस्करेजिंग ओपन डेफिकेशन. ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री का जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करने के लिए पर्टिकुलरली कैंपेन चलाई जा रही है और ये कैंपेन जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर चलाई जा रही है और जो कि सपोर्टेड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सपोर्टेड है, ये अपने को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर है. बेसिकली जो है आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो कमर्शियल बैंक्स के साथ में इंडिया ने जो है दो, एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक पेमेंट्स बैंक, ये दो तरीके के बैंक जो है इंडिया ने स्टार्ट किए. तो आपको इन दोनों की डिटेल कम्प्लीटली पता होनी चाहिए. ये जो है रिसेंट डेवलपमेंट है इंडियन इकोनॉमी में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, ये दो स्टेटमेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंसिंग बैंकिंग एंड कंपनीज एंड सोसाइटीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाई रेजिडेंट विल बी एलिजिबल टू सेट अप ए स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सेटअप कर सकता है, जिसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग फाइनेंस और कंपनीज और सोसाइटी ओन्ड और कंट्रोल बाई द रेजिडेंट. द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक शैल बी 500 crores. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये बड़े जो ऑब्जेक्टिव इसके अंदर स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके अंदर डेटा भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर ईयर्स भी इन्वॉल्व है. तो बिल्कुल यहाँ पे केयरफुल हो जाना है कि हमें जो है कंप्लीट इसकी डिटेल पता है या नहीं है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. ये 500 करोड़ नहीं है, यहाँ पे लिमिट है 100 करोड़ की. ठीक है, तो फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो पेड अप इक्विटी कितनी है, 100 करोड़ होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या है एसएफबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्रोविजन ऑफ सेविंग व्हीकल, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द स्मॉल फाइनेंस बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लॉस लो कॉस्ट ऑपरेशन. ठीक है, इसका जो है बेसिकली जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो किसके थ्रू होगा, इनके थ्रू. तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है. दूसरा, ये नचिकेत मोर एक कमेटी बनी थी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि इसका जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो डेवलप करने चाहिए. स्मॉल फाइनेंस बैंक शैल प्राइमरली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लैंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शन इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज. ठीक है, तो ये इसकी एक्टिविटीज़ रहेंगी. कौन कर सकता है, रेजिडेंट एंड प्रोफेशनल विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, लोकल एरियाज बैंक आर एलिजिबल टू सेटअप एसएफबीज. ठीक है, दूसरा, मिनिमम पेड अप इक्विटी हमने देखा था कि वो 100 करोड़ इसकी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है बीबीआईएन के ऊपर है, जो आपको पता होगा कि ये एक इनिशिएटिव है, ये एक एग्रीमेंट हुआ था. ठीक है, तो बीबीआईएन इनिशिएटिव किसके ऊपर है, पहला स्टेटमेंट है द भारत भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट MVA जो है वो साइन हुआ June 2015, हैज़ बीन रेटिफाइड बाय द बांग्लादेश इंडिया नेपाल. ठीक है, तो ये एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो है इन कंट्रीज़ ने फ्री मूवमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी और ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है.
दूसरा स्टेटमेंट है भूटान हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट ड्यू टू चाइनीज प्रेशर फॉलोइंग द डोकलाम इश्यू। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे आपको BBI का बैकग्राउंड थोड़ा पता होगा तो आप करेक्ट आंसर इसके अंदर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली जो सार्क प्रोसेस के अंडर जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एक होना था जो सार्क समिट के अंदर, फिर उसको जो है ओवर द टाइम पाकिस्तान ने अपोज़ किया था इस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को, फ्री फ्लोइंग जो ट्रेडिंग और फ्री फ्लोइंग कनेक्टिविटी ऑफ मोटर एंड व्हीकल जो है वो होना था, तो उसको पाकिस्तान ने अपोज़ किया। उसके बाद में ये चारों कंट्रीज़ ने, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने, इन्होंने मिलकर ये पर्टिकुलर डिवाइस किया BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। और ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का जो प्रोनाउंसमेंट हुआ था थिम्पू के अंदर, भूटान के अंदर, और उसके बाद में उसको जो है बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने तो रेटिफाई कर दिया, बट भूटान की पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई नहीं किया। भूटान की पार्लियामेंट ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए कि इससे भूटान की एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ओवरऑल जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं होके इसके ऊपर कम्प्लीटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका रीज़न ये नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन ए। तो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल इज एग्रीड ऑन द टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट इन द सब रीजन अंडर द BBIN, जिसके अंदर जो है ये साइन हुआ था 2015 के अंदर। सून कंप्लीट इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस फॉर साइनिंग ऑफ द पैसेंजर प्रोटोकॉल। द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑल्सो हैड एग्रीड टू कंडक्ट मोर ट्रायल रन फॉर कार्गो व्हीकल अंडर द एग्रीमेंट। द लैंडमार्क MVA वॉज साइंड बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ BBIN कंट्रीज इन थिम्पू, भूटान इन 15 जून 2015। ठीक है, तब से अभी जो है अभी इसके अंदर ये अटका इसलिए पड़ा कि भूटान ने इसको जो है रेटिफाई नहीं किया, और भूटान ने अभी जो है इसके अंदर ग्रीन लाइट दी है कि ये जो कंट्रीज़ है जिन्होंने रेटिफाई कर दिया, ये तीनों कंट्री एक बार आगे बढ़े उसके बाद में भूटान इसको ओवर द टाइम रेटिफाई करके इसको ज्वाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली एन आईलैंड इन द लक्षद्वीप हैज़ वैनिश्ड ड्यू टू द कोस्टल इरोजन, द नेम ऑफ दिस नाउ इनडेटेड आईलैंड इज। ठीक है, इस आइलैंड का क्या नाम था, एंड्रोट, पीटी, सुएली बार एंड पराली फर्स्ट। ठीक है, तो इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जो जियोग्राफिकल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, एक रिसेंट डेवलपमेंट कहते हैं इसको, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, जिसके अंदर पराली फर्स्ट जो है ये आइलैंड था। वन ऑफ द अनइनहेबिटेड आइलैंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ लक्षद्वीप हैज़ वैनिश ड्यू टू द कोस्टल इरोजन एंड अनदर फोर सच टेरिटरी इन द सी आर श्रिंकिंग फास्ट एंड क्लेम्स ए न्यू स्टडी। ठीक है, तो इसके रीज़न जो इरोजन है, एक तो कोस्टल इरोजन एक मेजर मुद्दा हो गया, और दूसरा जो सी लेवल राइज है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो भी एक इशू है, ताकि जो आने वाले टाइम में इस तरीके के जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके जो अस्तित्व को लेके उसके उनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। दिस आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ बंगराम एटॉल विच हैड एन एरिया ऑफ दिस किलोमीटर एंड इन 1968 हैज़ बीन कम्प्लीटली इरोडेड रिजल्टिंग इन इट्स इन्यूडेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लास्ट हमारा स्टार्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को's रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो यूनेस्को की दो लिस्ट होती है, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये लिस्ट है कौन सी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता करना है कि ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, और इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर अभी 2017 के अंदर इंडिया के जो एक पर्टिकुलर इवेंट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, तो इसमें से कौन सा पर्टिकुलर इवेंट या आर्ट फॉर्म है तो वो देखनी है। तो इसके अंदर टोटली सारे जो है इसके अंदर है या नहीं है, इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है इंटेंजिबल में, 2017 के अंदर एक को इंक्लूड किया गया था इनमें से, तो कुंभ मेला, योगा, नवरोज और चाव डांस। ठीक है, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है और कंप्लीट जो है डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है कि कौन कौन सा जो है पर्टिकुलर इवेंट, इसके क्या खासियत है और इसको इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है या नहीं। तो इस सेशन की जो है मॉडस ऑपरेंडी क्या है, हमारी कार्यप्रणाली क्या है, 1 to 9 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, रफली 2 मिनट्स का इसके अंदर टाइम लेना है हर क्वेश्चन के लिए, और 2 से less than 2 जो है 1.5 मिनट जो है सफिशिएंट है, और उसके बाद में आपको लास्टली स्टार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, करेक्ट आंसर उसका देना है और उसकी डिटेल जो है कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करनी है, लास्टली जो है स्कोर जो पूरा अपना कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके अंदर पोस्ट करना है। एंड डू लाइक, शेयर दिस सेशन एंड राइट योर ओपिनियन, अपनी राय जो है इस सेशन के बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।